तो ये रहा हम लोग का बस जिसमें हम लोग आज साइट विजिट के लिए जाने वाले हैं, देख सकते हैं। और यहाँ फॉरनर लोग भी आए हुए हैं, देख सकते हैं। सितंबर 23 टू मार्च 21 इसको हम लोग दक्षिणायन बोलता है, जाड़ का महीना, दिन छोटा रात बड़ा। और उधर जाएगा मार्च 21 टू सितंबर 23 उत्तरायण में, दक्षिणायन उत्तरायण में जब सूर्य निकलता है 23 हाफ एंगल में। ये है यहाँ का मेन, हम चश्मा खरीदे हैं, देख सकते हैं। ये चश्मा खरीद के आई है अभी, तो जस्ट अभी ऑन द वे। ये छोटा छोटा दासी लोग के हाथ में हैंडबैग है, देखिए हैंडबैग एंड पाउडर बॉक्स। 800 साल का पहले भी लड़के लोग हैंडबैग और पाउडर बॉक्स व्यवहार करते थे। आदमी का पास जो पैसा और ताकत हो जाता है ना, आदमी का घमंड होता है, गर्व होता है, गर्व होने से नाश होता है। तो मंदिर जाने का पहले आप लोग का अहंभाव गर्व तो बाहर में चेक करिए, अंदर जाइए भगवान दर्शन मिलेगा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर बस में जाने के लिए, और ये भैया है हमारे जो हम लोग को साइड विजिट के लिए ले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रहा हम लोग का बस जिसमें हम लोग आज साइड विजिट के लिए जाने वाले हैं, देख सकते हैं। हमको भैया यहाँ पर लाए हैं, और उड़ीसा बस सर्विस, ये है बस इधर केबिन, और केबिन में अंदर ये वाला थैंक यू फॉर फर्स्ट सीट, ये हम लोग को मिला था। हाँ। देख सकते हैं हम लोग को सीट मिल चुके हैं, और ये पूरा भी मैं 150 रुपए आपको लौटा रहा हूँ। हाँ। अभी ना ओके 5-10 मिनट का। यस यस, हम लोग फैमिली बस में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं। और हम लोग को मिला है फर्स्ट सीट, जो बहुत मजा लग रहा है हम लोग को। अभी जाते हैं, अभी करते हैं आज का ब्लॉग। आज हम लोग को फर्स्ट सीट मिला है, सबसे फर्स्ट रो। देख सकते हैं कितना बड़ा बस है, और प्राय प्राय सब में बैठ ही चुके हैं आदमी लोग। प्राय प्राय बहुत खाली है, अभी हम लोग को पता नहीं कितना बैठना पड़ेगा। तो हम लोग का बस अब खुलने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पर, और शायद 1-2 मिनट में खुल जाएगी, चालू हो गया है। और ये हम लोग का बस निकल चुकी है। हेलो 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 हेलो। चलिए अभी हम पुरी से निकल पड़े हैं, हमारा ये साइड टूर घूमने के लिए। ये टूर के सफर 12 घंटे का रहता है। हम 7 बजे यहाँ से निकले हैं घूम घाम के, फिर शाम को 7 बजे वापस यहीं पर पहुँचेंगे, यानी कि पूरा टूर 12 घंटे का है। और ये 12 घंटे का टूर को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल टूर, यानी कि सुनहरा सफर। तो ये 12 घंटे का टूर में आप लोग बहुत कुछ चीज देखेंगे, बहुत कुछ चीज सीखेंगे, बहुत कुछ हंसी मजाक होगा, और बहुत कुछ मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। मुसीबत क्या है कि जो 12 घंटे का टूर है उसमें से कुछ समय आप गाड़ी में घूमेंगे, कुछ समय बाहर घूमेंगे, दिन भर घूमेंगे, लेकिन कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, दिन भर हमारे साथ क्या होगा, हम किसी को मालूम नहीं। जो जगह को, जो दर्शनीय स्थान को आप अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, सभी जगह एक ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। और मैं अभी आपको सभी जगह के ऐतिहासिक कहानियों के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग इतना पैसा खर्च करके पुरी में आए हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रभागा बीच, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का नजारा। कुछ ए किधर है, कौन सा है, जाना किधर है? ओ इधर इधर जाना है, इधर बीच। हम लोग बीच जा रहे हैं अभी। यहाँ देख सकते हैं ये चंद्रभागा बीच, पूरा उधर भी नजारा कुछ ऐसे है। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कुछ लेस एंड कुरकुरे, और लेकर के बस में बैठे हम लोग जा रहे हैं
कितना कितने का भैया? आज भर के लिए पैसा लगाएगा। इधर टोपी सभी बिक रहे हैं। हम चश्मा खरीदे हैं, देख सकते हैं। ये चश्मा खरीद के आई है अभी, तो जस्ट अभी ऑन द वे। तो ये रहा हम लोग का बस, यही है ना। तो अभी हम जा रहे हैं विश्वविख्यात कोणार्क मंदिर। हम 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे कोणार्क मंदिर, क्योंकि यहाँ से मंदिर 2.5 किलोमीटर है। तो सभी मेहमान कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। पहला बात, किसी भी अनजान आदमियों के बातों में मत आइएगा। दूसरा बात, मार्केटिंग खरीदारी दिमाग से पूरा निकाल लीजिए। तीसरा बात, दिन भर कहीं पर भी टिकट या गाइड के लिए 1 रुपया खर्चा मत कीजिए। जो देना है आप 1 साथ दे चुके हैं। कहाँ बनेगा ग्रुप टिकट, कहाँ बनेगा इंडिविजुअल टिकट, कहाँ पर हम आपको गाइड देंगे, जो देंगे हम देंगे। अभी जो हम जा रहे हैं कोणार्क मंदिर, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का टिकट मिलेगा आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइड मिलेगा आपको मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए। कोणार्क मंदिर में जो टिकट मिलेगा वो सब एक एक पकड़ेंगे, और जो गाइड मिलेगा वो गाइड को पेमेंट पैसा पैसा मत दीजिएगा। मैं आपसे ले चुका हूँ, मैं ही उनको पेमेंट करूंगा। आप सिर्फ घूमेंगे गाइड के साथ, गाइड आपको मंदिर के बारे में जानकारी देगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सुबह सुबह है तो अभी एंट्री करने ही वाले हैं। जैसे एंट्री होता है उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये है टिकट यहाँ का। कोणार्क मंदिर में आपके साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइड भाई साहब रहेंगे, जो आपको मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे भैया पास आ गए भट्टेश्वर, यहाँ का बहुत दान भाई है, का नाम है भट्टेश्वर भैया, तो पहचान लीजिए, क्योंकि इनके साथ ही मंदिर परिक्रमा करना है। अभी नाम से टिकट ले लीजिए, नाम दीजिए, दो टिकट ले लीजिए। देख सकते टिकट यही कोणार्क टेम्पल का, ये और बाकी टीम को मिल रहा है टिकट। ये देख सकते हैं अभी ये कोणार्क मंदिर का एंट्रेंस है। हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं ये कोणार्क टेम्पल। फिसल नहीं रहा देखो, मैं बताता हूँ जा करके आगे आप लोगों को। ये है कोणार्क टेम्पल और एंट्री गेट हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एंट्रेंस में ही फैन लगा हुआ है भाई। पहुंच चुके हैं, ये हमारे गाइड जी शक्ति ग्रुप शेर होता ताकत हाथी होता पैसा में गजलत हूँ। ताकत और पैसा होके बराबर आदमी को नाश करता है। आदमी के पास जब पैसा और ताकत हो जाता है ना, आदमी का घमंड होता है, गर्व होता है, गर्व होने से नाश होता है। तो मंदिर जाने का पहले आप लोग का अहमभाव गर्व तो बाहर में पैक करिए, अंदर जाइए भगवान दर्शन मिलेगा। ये है कोणार्क टेम्पल, देख सकते हैं सूर्य, और यही हमारे गार्ड साहब। ये वाला जो मंदिर है इसका नाम था डांसिंग हॉल रंगमंच। हम लोग उड़ीसा में पहले देवदासी प्रथा थे, देवदासी लोग डांस करने के लिए डांसिंग हॉल बनाई है। यहाँ भी एक डांस प्रोग्राम होता है 1 तारीख से 5 तारीख। आप लोग अपने अपने टीवी में देखेंगे, डीडी भारती, डीडी नेशनल चैनल में। यहाँ से सीधा प्रसारण होता है ऑल ओवर इंडिया। और दूसरा वाला जो मंदिर खड़ा है प्रेयर हॉल प्रार्थना मंदिर, इसका ऊंचाता अभी 127 फीट है, और उसका पीछे था मेन मंदिर जो गिर गया है, और मेन मंदिर का ऊंचाई थे 227 फीट, ये मंदिर से 100 फीट ज्यादा। और मेन मंदिर का पीछे एक मंदिर है सूर्यदेव का पत्नी का मंदिर, छाया देवी, छाया का लड़का होता शनि भगवान, जो कि नवग्रह में पूजा होता है। आप लोग जाने का टाइम है, दर्शन करके जाएंगे। तो मेन मंदिर कैसे गिर गया ना, इतना बड़ा मंदिर वो लोग बनाए विदाउट सीमेंट में, सब पत्थर का अंदर में लोखंड लगा हुआ, आयरन क्लम दट इज इंटरलॉक। और मेन मंदिर के ऊपर में एक चुंबक लगाया था मंदिर का बैलेंस के लिए, वो चुंबक पुर्तगाल लोग ले जाने के बाद गिर सकता है, एक कारण है। और दूसरा कारण है कुछ नेचुरल कैलामिटी में भी गिर सकता है,
और तीसरा कराने कुछ मुसलमान लोग भी खंडित कर सकता है। मेन मंदिर गिर जाने के बाद इसके अंदर रेती पत्थर देकर भर दिया। 1903 में हम लोग का बिहार बंगला उड़ीसा एक ही साथ में थे। वो तीनों राज्य का नाम पहले था अंग बंग कलिंग। कलिंग होता उड़ीसा, बंग होता वेस्ट बंगाल, अंग होता बिहार। अरे पूरा मंदिर एक रथ का डिजाइन में बने। रथ में 24 चक्र है, 12 पाए बाजू, 12 पाए बाजू। सामने 7 घोड़ा थे, 4 ये बाजू, 3 ये बाजू। वो बीच में था अरुण सारथी, जो कि जगन्नाथ मंदिर के सामने मिलेगा। आप लोग जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, बाहर में खंभा लगा हुआ है। ये खंभा यहाँ से हटा के लेके वहाँ लगाया मराठा पीरियड में। अरे 24 पहिया होता, 24 पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा। 7 घोड़ा होता, सप्ताह का 7 दिन, सूर्य का 7 रंग। ये पहिया आप लोग का 10 रुपये का नोट का पीछे मिलेगा, आरबीआई लगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो जो 10 रुपये छोटा वाला नया वाला नोट है ना, इसके पीछे कुनार के चक्र है। ये बाजू में रहेगा सितंबर 23 से मार्च 21। इसको हम लोग दक्षिणायन बोलता है, जाड़ का महीना, दिन छोटा रात बड़ा। और उधर जाएगा मार्च 21 से सितंबर 23 उत्तरायण में। दक्षिणायन उत्तरायण में जब सूर्य निकलता है 23 हाफ एंगल में निकलता है, दैट मीन्स कोण हो गया, कोण प्लस अर्क इज इक्वल टू कोणार्क। ये हो गया 23 हाफ एंगल, ये हो गया 23 हाफ एंगल, मीन्स कोण हो गया। ऐसा 3 मूर्ति, सुबह का, सुपर का, शाम का, अभी दिखाएंगे आपको। ये मूर्ति सब अंदर था, गिर गया था, बाद में लाके बाहर लगाया। ये मंदिर गिर जाने के बाद इसके अंदर रेती पत्थर दे के भर दिया। ये था दक्षिण द्वार। ये जो तार लगा बिजली के लिए, बारिश का टाइम है, मंदिर के ऊपर बिजली नहीं गिरेगा, तड़ित चालक बाद में लगाया। और पीछे तो घोड़ा है द्वारपाल, ये घोड़ा हम लोग रेवेन्यू स्टाम्प का ऊपर था पहले, आगे के रेवेन्यू स्टाम्प था, 2 लाख पैसे का उसका पीछे थे। और ये वाला शेर का मूर्ति मेन मंदिर से गिरा है, अभी देखिए ऊपर में बड़ा बड़ा शेर का मूर्ति है। तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर किसे चढ़े, आप लोग जहाँ देखेंगे नदी और समंदर, वहाँ रेती का जगह होगा। बालू मंदिर 10 फीट बना दिया, चारों तरफ रेती में भर दिया, नहीं होता है। और पीछे वाला था सूर्यदेव का पत्नी का मंदिर, छाया देवी, छाया कलर का शनि भगवान, जो नौ घर में पूजा होता है। आंसू नहीं दिए यहाँ एक और भेजूंगा तो आईने पकड़ के देखिए। ये छोटा छोटा दासी लोग है, दासी लोग का इसमें हैंडबैग है, देखिए हैंडबैग एंड पाउडर बॉक्स। 800 साल का पहले भी लड़के लोग हैंडबैग पाउडर बॉक्स व्यवहार करते थे। अरे पूरा मंदिर कमल का डिजाइन में बनाया। ये होता पद्म क्षेत्र, जगन्नाथपुरी होता शंख क्षेत्र, लिंगराज मंदिर अभी आप लोग जाएंगे भुवनेश्वर दट इज चक्र, और जाजपुर एक जिला है कटक जिला के पास, बिरजा टेम्पल है दट इज गदा, शंख चक्र गदा पद्म, जो विष्णु का 4 आयुध हम लोग उड़ीसा में है। अरे 377 धारा होता 377, आपको मालूम होगा 377 जो होता है लेस्बियन, अभी इसमें केंद्र सरकार हटा दिया है। घोड़ा रोपरी घोड़ा के ऊपर में जो बैठा हुआ है, ये शाम का है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। अरे बाजू जितना चक्का है देखिए आप लोग, इसमें अभी सूर्य का धूप नहीं गिरेगा। इसमें आएगा मार्च 21 से सितंबर 23 उत्तरायण में, दिन बढ़ जाएगा रात छोटा हो जाएगा। अरे ये बाजू क्लॉक वाइज समय पता चलेगा, ये बाजू क्लॉक वाइज, वो बाजू एंटी क्लॉक वाइज। इतना ढंग से मंदिर बनाया, 365 दिन सूर्य का धूप इसके अंदर ही गिरेगा, 365 दिन सूर्य किरण भीतर पड़ भी। तरफ ये छो मेन मंदिर, ये वाला था मेन मंदिर, ये गिर जाने के बाद इसके अंदर भर दिया है, इसके अंदर पूरा रेती पत्थर देकर भर दिया 1903 में ब्रिटिश लोग। और अभी हम लोग सरकार बोलता है खुलने के लिए 3 साल लगेगा, अभी काम भी शुरू हो गया है। इसके अंदर से रेती पत्थर निकल जाएंगे, अभी लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे, देखने से पता चलेगा। पूरा मंदिर एक रथ का डिजाइन में बने लगे संचारी। ये वाला भी एक द्वार था, देखिए आप लोग, ये द्वार का ऊपर में लोहा का बीम लगा हुआ है, वही दरवाजा के अंदर। अभी हम लोग को निंटा लगा था, बड़ी सीमेंट रॉड में, उस समय सीमेंट नहीं था, लोहा का बीम लगाया। और ये बाजू में 2 हाथी है द्वारपाल, ये पानी पीने के लिए कुआं है, ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग जब घर बनाता है उत्तर में पानी का टंकी लगाता है, उत्तर में टंकी, उत्तर में पढ़ाई का घर, उत्तर में ट्रेजरी, उत्तर होता कुबेर का दिशा, दक्षिण दिशा होता जमराज का। सोने का टाइम में कभी पैर नहीं रखना है दक्षिण दिशा में, जहाँ रखिए कोई बात नहीं, दक्षिण में नहीं रखना है। और उत्तर पूर्व में पूजा के लिए घर होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, पूर्व दक्षिण होता अग्निकंडन रसोई घर, पश्चिम दक्षिण होता नवीत कंडन मास्टर बेडरूम, घर का मुखिया वहां सोएंगे। और पश्चिम उत्तर होता बाई कोण, खिड़की टॉयलेट रूम सीढ़ी घर, मेनली ऐसे हिसाब से घर बनाने से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अभी आप लोग जाइए फोटो वोटो निकालिए, यहाँ भी फोटोग्राफर है, जिसका इच्छा है फोटो निकालिए, किसको पैसा वैसा नहीं देंगे, आपका गाड़ी के पास फोटो देगा, पैसा लेगा। तो ये है कोणार्क टेम्पल, देख सकते हैं बहुत धूप है, पसीना पसीना से भींग गए, और अब हम निकलने वाले यहाँ से, देख सकते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। Thank you.
ये है यहाँ का मेन। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कोणार्क टेम्पल घूम चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। और बहुत ज्यादा तो धूप है यहाँ पर, कड़ी धूप है यहाँ पर। और यहाँ फॉरनर लोग भी आए हुए देख सकते हैं। उंगा के फॉरनर अब तक है ना मत करा। तो हम लोग अब निकल रहे हैं इधर से, देख सकते हैं इधर से एंट्री है, उधर से एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट कहीं और से है। ये कुछ लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो हम लोग इधर से एग्जिस्ट कर रहे हैं देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग एग्जिस्ट हो चुके हैं कोणार्क टेम्पल से, अब जा रहे हैं अपना बस की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मार्केट पूरा लगा हुआ है।